हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। देखो ये मेरी सरसों पकने पे आ गई है। इधर ये हरा धनिया कितना सुंदर उगा हुआ है, बहुत ही अच्छा हरा धनिया। जब भी मेरे को चटनी या सब्जी में डालना होता है तो मैं अपनी छत से ताज़ा ताज़ा हरा धनिया हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इसमें देखो थोड़ा थोड़ा कुछ ये खरपतवार उग गया है, मैं ये भी इसका अलग कर देती हूँ। आज कई दिन में दिल्ली में बारिश थी, कई दिन के बाद आज हम छत पे चढ़े हैं। कुछ बंदर हमारी छत पर ऐसे हिल गए हैं कि बस पूछो मत। हरे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं ये खरपतवार निकाल रही हूँ तब भी मेरे हाथों में खुशबू आ रही है। ये पीले पीले फूल और ये मेरा बोगनवेलिया का पर्पल कलर का, ये देखो मधुमक्खियाँ कितने अच्छे तरीके से शहद ले रही है इसमें से। बोगनवेलिया में कई तरह के बोगनवेलिया मेरी छत पर खिले हुए हैं। नीचे वाले टेरेस पे ऑरेंज, ये यहाँ पे पर्पल कलर का है, नीचे कई रंग और हैं। ये मेरे सलगम, ये बैंजल देखो कितने सुंदर पीले कलर के, एकदम खूबसूरत कलर, हंसता हुआ कलर, सूर्य के समान कलर। ये सफ़ेद रंग के और पर्पल कलर के बैंजल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मेरे सरसों के पौधों में फूल आ गए। ये मकोई का पौधा है और मकोई का पौधा बहुत लाभदायक होता है। सरसों देखो कितनी सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं और मधुमक्खियाँ ढेरों ढेर मंडरा रही हैं। ये मकोई जो है, मकोई कई चीज़ों में काम आती है। फरवरी का महीना बसंत का महीना माना जाता है और बसंत में फूलों का मौसम भी सुहावना हो जाता है। तो ये देखो मेरी छत पर सरसों में फूल आ गए। हमने बहुत साग हार्वेस्ट करके खाया और अब इसमें फूल आ गए। ये येलो कलर के फूल भी, ज़्यादा येलो कलर के फूल इसी लगाती हूँ, पोलिनेशन मित्र आए। ये देखो मेरे खट्टा पालक है, इसमें कितना सुंदर फूल आया हुआ है बीज आने के लिए। और ये एक ही पौधा था और इसको मैंने बीज के लिए छोड़ा था, तो देखो कितना सारा सुंदर फूल आए हैं इसमें। बहुत सुंदर कलर के गाजरी कलर के फूल आए हुए हैं और अब मैं इसमें बीज आ जाएगा तो जिसको भी मेरे से खट्टा पालक के बीज चाहिए मैं उसको भी बीज दे दूंगी। और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, किसी भी सब्जी में डालो तो टमाटर की ज़रूरत नहीं रहती। और सरसों तो सच में ही बसंत का, बहार का मौसम, मेरी छत पर कोई आए तो बसंत रंग से, खूब सुंदर रंगों से खिली हुई है छत। पूरा गार्डन मेरा पीले सरसों के फूलों से भरा पूरा हो रखा है। ये देखो कितने सुंदर फूल है और ये शिव जी भगवान को बहुत प्रिय हैं। अगर इसी में मेरे टमाटर का है, टमाटर में ये छोटे छोटे स्कर्स जो निकलते हैं इसको हटा दो, क्योंकि इसके हटाने से आपके टमाटर ज़्यादा आएंगे। ये इसमें टमाटर नहीं बनते और ये आपके टमाटर के पौधे की एनर्जी ले लेता है, इसीलिए अपने पौधे से ये स्कर्स हटा दो टमाटर के से। और इसके फूल पत्तियों को ऐसे हिला दो, इसका मेल फीमेल दोनों इसी के अंदर होता है। ये मैं कुछ बड़ी पत्तियाँ पीली जो नीचे धूप जाने से रुक रही है मैं उनको भी काट रही हूँ। ये देखो मको फिर भी आ गई है, मैं दोबारा से आ गई है। इसकी पत्तियों की सब्जी भी बना के खाते हैं। मको वात पित्त और कफ तीनों आयुर्वेदिक गुण इस पौधे में होता है। और इस पौधे के फ्रूट लाल और काले रंग के होते हैं, बहुत टेस्टी और यम्मी होते हैं। मेरा पोता बहुत खुश होके ये फल खाता है और कहता है ब्लैक टमाटो। मेरा पुदीना देखो कितना अच्छा फुटा हो रखा है, इसमें भी छोटी छोटी खरपतवार हो गई थी, आज मैंने इसकी भी खरपतवार निकाल दी है पुदीने की। और ये अब भर गर्मियों में बहुत, ये देखो मेरे हाथों में भी खुशबू हो गई है। और ये खरपतवार, ये एक पौधा ऐसा है, ये भी एक मेडिसिन प्लांट है। ये मेरे पालक में भी उग गया है, ये अपने आप उग जाता है। ये जो खट्टे खट्टे पत्ते होते हैं इसकी चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है और आयुर्वेदिक में भी इसके कई गुण होते हैं इस पौधे के, ये अपने आप उग जाता है। ये इधर देखो बैंजिल पर्पल कलर की, डार्क पर्पल कलर की, बहुत सुंदर लग रही है। ये मेरी गुलदावरी महरूम और येलो कलर की, बहुत ज़्यादा खिले हैं फूल इस बार गुलदावरी में। इधर ये मेरी लाइट पर्पल कलर की गुलदावरी,
मौसम चला गया है, अब गुलदावरी का बहुत ढेरों ढेर फूल इन्होंने छत पे मेरे गार्डन को महकाया और सुंदरता से चार चांद लगाए इन फूलों ने। ये दूसरा डायरेक्ट पर्पल है, अलग अलग तरह के कम से कम 20-25 तरह के कलर मेरी छत पर इसके गुलदावरी के लगे थे, और सभी पौधे मैंने पिछली बार के पौधों से अपने आप खुद कटिंग के द्वारा तैयार किए थे। अब इनके फूल सूख गए हैं, इनको भी अब हम कटिंग कर देंगे, एक बार दोबारा फूल आ देंगे। ये मेरे घर के सामने बहुत बड़ा सुंदर पेड़ लगा हुआ है और इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर हैं और इसकी छाँव भी बहुत अच्छी होती है, और ये पूरा मेरे घर के सामने का दृश्य है। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है, थर्ड फ्लोर तक इसकी लेंथ लंबाई चली गई है। अब ये देखो, इसमें ये पीली सूखी पत्तियाँ हैं स्पाइडर प्लांट में, मैं इन सब की सूखी पत्तियाँ आज मैं निकाल देती हूँ। छत पर आई हूँ, छोटे छोटे कई काम गार्डन में मैं कर रही हूँ साथ साथ में, और बारिश के बाद सभी पौधों में एक अलग से चमक आ गई है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो मेरे एलोवेरा में भी फूल आ गया है, ये करीब करीब 6 साल के बाद फूल आता है, और एलोवेरा के फूल के गुण बहुत होते हैं और यह पूजा के काम में भी आता है। ये मेरी वॉन्डरिंग जू भी डोरमेंसी में चली गई थी, अब इसकी सूखी पत्तियों को हटा के अब जैसे ही बसंत का मौसम आएगा इसमें नई नई पत्तियाँ फुटाव अपने आप करने लगेगी। ये इधर मनी प्लांट है मेरा, ये नीचे ये देखो मेरा मॉन्स्टर का प्लांट मनी प्लांट, ये भी कितने पत्ते सुंदर हो गए हैं बारिश आने के बाद, चमक गए हैं अपने आप में, धुल गए काफ़ी दिन से। और ये मेरा ये अरिका पाम ट्री और मनी प्लांट, सभी पत्ते अपने आप में इतने सुंदर चमक रहे हैं, और मैंने ये लाइट भी लगाई हुई है इन सभी पत्तों में, सभी पौधों में। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना ये मेरा सिंगोनियम के पौधे के पत्ते भी कितने सुंदर लग रहे हैं, मानो कि जैसे हम नहाकर खुश होते हैं, तो ये भी बारिश के आने के बाद बहुत खुश हैं और बहुत साफ सुंदर चमक रहे हैं मनी प्लांट। और ये ऊपर से देखो वॉन्डरिंग जू, अब जो जैसे जैसे बसंत का मौसम आएगा और ये बहुत कुछ होगी। ये ऊपर से मेरे टर्टल वाइंड, ये भी आज खुश है, इसकी भी कटिंग करेंगे और छोटी छोटी पत्तियां फिर से दोबारा से आएंगे। पर्पल हार्ट, ये नीचे मेरा पिंक कलर का सिंगोनियम, और इधर ये मनी प्लांट, ये बोतलों में मैंने मनी प्लांट लगाई हुई है, स्नैक प्लांट लगाया हुआ है, और ये पर्पल हार्ट लगाई हुई है सीढ़ियों में स्टेयर में। बहुत सुंदर एक अपने आप में एक छोटा सा गार्डन मेरी स्टेयर में सीढ़ियों में लगा हुआ है, और ये मनी प्लांट, सभी पौधे खुश हैं बारिश में नहाने के बाद। ये देखो बहुत सुंदर लोग पत्तियां अपने आप में चमकने लगी हैं, और काफ़ी टाइम से धूल मिट्टी जमी हुई थी, और हम भी सर्दी की वजह से इनमें ज़्यादा पानी ना जाए इसलिए पानी से भी साफ नहीं कर रहे थे, एक दो बार कपड़े से ही साफ की थी। और आज ये पौधे बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप भी अपने गार्डन में, अब देखो नई नई पत्तियां भी आने लगी है, थोड़ी थोड़ी गर्मी हुई है, तो बसंत मौसम में सभी पत्ते नए आएंगे और सभी पेड़ पौधे खुश होंगे। दादी माँ की गार्डनिंग कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कमेंट कर अवश्य बताएं, जिससे कि दादी माँ का हौसला फिर से बना रहे और नई सी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आए। देखो कितना छोटा सा पत्ता नया निकला है और कितनी शाइनिंग है इस पत्ते में। अब ये जैसे जैसे बसंत आता है तो सभी पेड़ पौधे एकदम खुशियों से महक जाते हैं और नई नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं, ग्रोथ करते हैं। बसंत का महीना पौधों के लिए तो एक फिर से मौसम बढ़िया आता है। धन्यवाद दोस्तों।